कल किस वक्त की फ्लाइट? कल शाम की फ्लाइट है। हाला आप फिक्र ना करें, मुझे नहीं लगता कि अदन नाजिया को जाके सोमिया के बारे में बता पाएंगे। लेकिन शीरीन, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो खाला फिर हम नहीं जाते? लेकिन अब अगर मैं अदन से रुकने का कहूंगी तो वो नहीं रुकेगा। फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है, खाला आप भी नहीं होंगी और मैं नाजिया को अकेले कैसे संभालूंगी? और जब अदन उसे इतनी बड़ी बात बताएगा तो ये सिचुएशन नाजिया के लिए भी बहुत शॉकिंग होगी। मैं सोच रहा था कि जाने से पहले आपको आपकी अम्मी की तरफ छोड़ दूँ, आप उनके साथ कुछ वक्त भी गुजार लेंगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं आंटी को टेंशन नहीं दूंगी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आप बोर ना हो। जिस घर से रुखसत करते हुए मुझे वापस ना आने का हुक्म दिया गया था, उस घर में मैं वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? आप रिक्वेस्ट ना करें, आप हुक्म करें और बैठ जाएं। आपको जिस दिन भी अपने फैसले पर पछतावा हो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं इस खुशफहमी में ना रहूं कि मोहब्बत दायनी भी हो सकती है। आपको ऐसा क्यों लगे कि मुझे कभी भी अपने फैसले पर पछतावा होगा? शीरी से आपका डिस्कस करना कि मैं शादी से खुश नहीं हूं, इसका और क्या मतलब हो सकता है? अब मुझे पता चला। देखें, मुझे इस शादी पे बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं, और शीरीन को अंदाज़ा है कि मेरी खुशी आपकी खुशी से जुड़ी है, इसलिए वो चाहती है कि आप खुश रहें। जब तक आपकी मोहब्बत मेरी ढाल बनी रहेगी, मैं बहुत कुछ सुन भी लूँगी और सह भी लूँगी। अगर आपको मेरी मोहब्बत पे इतना भरोसा है तो फिर ये कभी मत सोचिएगा कि मुझे इस फैसले पे कभी भी कोई पछतावा हो।